हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई विश यू आर फाइन। टुडे वी विल डू जेनेरिक वर्कशीट 6। सब्जेक्ट जेनेरिक है, क्लास 7th के लिए है और ये 28th अगस्त 2021 को करनी है। स्टूडेंट, ये जेनेरिक वर्कशीट है तो 6th, 7th, 8th तीनों क्लासेस की कॉमन वर्कशीट है। तो आज की वर्कशीट जो है वो आउटडोर गेम के ऊपर है। स्टूडेंट, कोरोना चल रहा है तो आप लोग आउटडोर गेम कम खेलते हैं, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आउटडोर गेम जो है वो क्या होते हैं और वो हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, एक्सरसाइज हमारी होती है। तो आपको आउटडोर गेम खेलनी चाहिए। अब जो है सिचुएशन कोरोना की थोड़ी ठीक हो गई है, पेशेंट भी कम है, तो आप ये सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स फॉलो करके आप ये गेम खेल सकते हैं। तो आइए इस वर्कशीट में हम आउटडोर गेम के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। वैसे अगर आप नहीं खेल सकते तो कोई बात नहीं, आप जब कोरोना चला जाएगा तब भी आप खेल सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको इन गेम्स की होनी चाहिए। ये देखिए, फर्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द बॉक्स। अब देखिए, आपने देखा होगा एक गेम, इज ए गेम इन विच ए प्लेयर चेसिंग अनदर प्लेयर फॉर टचिंग हिम। एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को टच करता है, वो खड़ा हो जाता है, फिर वो रेस करता है दूसरे खिलाड़ी को टच करने के लिए। आपने ये खो खो गेम होता है ना, आपने ज़रूर खेला होगा आई थिंक। तो वो कौन सा गेम होता है? खो खो। उसमें कुछ प्लेयर खड़े हो जाते हैं और कुछ प्लेयर बैठे हुए होते हैं। तो बैठे हुए प्लेयर जो है, जो खड़े होते हैं उनको टच करने की कोशिश करते हैं। तो ये वही है, इज ए गेम इन विच ए प्लेयर चेसिंग अनदर प्लेयर फॉर टचिंग हिम। एक प्लेयर दूसरे प्लेयर का चेस करता है, पीछा करता है उसको टच करने के लिए। तो वो कौन सा गेम है स्टूडेंट? खो खो है। सेकंड देखें, सचिन तेंदुलकर, आपने सभी ने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा। फेमस क्रिकेटर है, उसने काफ़ी सेंचुरीज बनाई है और वो क्रिकेटर, क्रिकेट का गोड है, क्रिकेटर है ना सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर इज ए गोड ऑफ क्रिकेट। ओके, सी देखिए, ब्लैंक इज ए गेम इन विच ए प्लेयर गोज टू द अपोनेंट साइड फॉर टचिंग हिम। ये गेम भी आपने देखा होगा, बीच में एक लाइन खींच देते हैं, दोनों साइड में टीम होती है और एक प्लेयर दूसरी टीम के पास अपोनेंट साइड में जाता है किसी भी प्लेयर को टच करने के लिए। जैसे वो टच करता है जिस प्लेयर को, आउट हो जाता है। तो ये कौन सा गेम स्टूडेंट? ये है हमारा कबड्डी। इसमें एक प्लेयर कबड्डी कबड्डी भी बोलता है ना। अब डी देखिए, इन ब्लैंक गेम प्लेयर्स ट्राइंग टू क्रॉस द बॉल ओवर द नेट विद हैंड। एक नेट लगा होता है बीच में और प्लेयर जो है दूसरी तरफ बॉल को क्रॉस करते हैं। तो वो कौन सा गेम स्टूडेंट? वो है हमारा वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। ओके, सिक्स देखिए, ब्लैंक इज ए गेम इन विच प्लेयर पासिंग द बॉल टू हिज टीम मेट्स थ्रू लेग, पैरों के द्वारा जो है वो अपने टीम मेंबर्स को बॉल को पास करते हैं लेग के द्वारा। तो वो कौन सा गेम है? वो फुटबॉल। देखो नाम में फुट, फुट जुड़ा है ना, फुट से बॉल को हिट करते हैं, तो वो गेम होता है हमारा फुटबॉल। ओके, लास्ट देखिए, यस, इन ब्लैंक गेम ए प्लेयर हिटिंग द स्मॉल बॉल ऑन टेबल बाय स्मॉल रैकेट। ये तो देखो इंडोर गेम है, इसको तो आप अब भी खेल सकते हैं कोरोना के टाइम में भी। इसमें क्या करता है, एक प्लेयर जो है एक छोटी बॉल को हिट करता है, टेबल होती है बीच में और रैकेट से, छोटे रैकेट होते हैं, बैडमिंटन वाले बड़े रैकेट होते हैं, छोटे रैकेट होते हैं, उनसे बॉल को हिट करता है। तो वो कौन सा गेम है? टेबल टेनिस। तो आपको टेबल टेनिस खेलना चाहिए, ये तो इंडोर गेम है, आप घर पे टेबल के दोनों तरफ छोटे रैकेट से इस गेम को खेल सकते हो। ओके, आगे देखिए, तो आपको इन गेम्स के बारे में पता लगा, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, खो खो और कबड्डी। ओके स्टूडेंट, अब आगे क्या है, राइट द नेम ऑफ सेप यू सीन इन फॉलोइंग पिक्चर्स। आपको पिक्चर्स दे रखी है, उनमें कौन सी सेप, ज्योमेट्रिकल सेप है वो आपको बतानी है। तो ये देखिए, ये क्या है हमारा, ऐसी वाली सेप, क्या आप आइसक्रीम भी खाते हैं ना, कोन भी, तो वो कौन सी सेप है? कॉनिकल सेप है, तो ये कोन होता है ऐसे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या है, कोन है। अब इसमें देखिए, आपको चेस याद आ गई होगी, जो चेस बोर्ड होता है उसमें क्या बने होते हैं, स्क्वेयर बने होते हैं। स्क्वेयर क्या होती है, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इन देखो सारे स्क्वेयर्स की सारी साइड बराबर है और बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो वो कौन सी शेप होती है, वो होती है हमारी स्क्वेयर शेप। अच्छा, ये देखिए, ये आपको बास्केटबॉल का नेट दिखाई दे रहा है,
तो ऊपर देखिए ये किसकी शेप है, ये शेप है हमारी सर्कल की, गोल गोल है ना तो सर्कल की। अगर इसको आप नीचे तक देखेंगे, ये देखिए अगर इस शेप को आप नीचे भी देखेंगे तो ये हमारी कौन सी शेप नज़र आती है, कोन भी नज़र आता है, देखो ये कोन भी नज़र आ रहा है। अगर इसको पूरी शेप को देखें तो ये क्या है, कोन है, और ऊपर वाले हिस्से को देखें तो ये क्या है, हमारा सर्कल है। अब ये लास्ट वाली शेप देखिए, ये क्या है, इसमें साइड्स इक्वल नहीं है, ये रास्ता है, देखिए यूँ रास्ता है, तो ये कौन सी शेप होती है हमारी, जिसके आमने सामने की साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है और 90 डिग्री का एंगल होता है, तो वो हमारी कौन सी शेप होती है, ज्योमेट्रिकल शेप रेक्टेंगल होती है। तो ये हमारी क्या है, रेक्टेंगल शेप है। तो स्टूडेंट ये थी आज की आसान सी वर्कशीट, बिल्कुल आसान वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।